नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं सेकंड इनिंग से आप लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो। बस इस वीडियो को आपको भैया ध्यान से देख लेनी है। आप लोग गलती क्या करोगे ना, आप लोग फटाफट स्किप करके आगे भाग जाओगे। नहीं भैया, 4 से 5 मिनट की वीडियो होंगी, आप देख लो। मैं गारंटेड कहता हूं कि फर्स्ट इनिंग से ज्यादा मुनाफा आप सेकंड इनिंग में लेके चले जाओगे। उससे पहले अगर आप फैंटेसी में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना है। अब एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा बहुत क्लोजी फ्रेंड है, वो जॉब करता है, उसकी सैलरी है लगभग, मान के चलो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट मैं मानता हूँ कि 28-30 हज़ार रुपीज़ के आसपास उसका सैलरी होगा। ठीक है, मैं उससे जब भी मिलता हूँ कुछ बातें होती हैं, बहुत ढेर सारी बातें होती हैं। तो उसने कहा कि भाई फैंटेसी में तो जो मुझे लग रहे हैं कि पैसा बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ से मैं बिल्कुल पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो मैंने बस उससे पूछा कि आप जो जॉब करते हो उसमें आप कितना टाइम निकाल के देते हो। वो कहते हैं कि 8 घंटे की जॉब होती है, लगभग 30 हज़ार रुपीज़ के आसपास में एक्स्ट्रा या 28 हज़ार प्लस कुछ एक्स्ट्रा होते होंगे वो कमा के, वो 30 हज़ार रुपीज़ कमाते हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप अच्छी बात है, आप 8 घंटे जॉब में देते हो, 30 हज़ार रुपीज़ कमाते हो, ईमानदारी से बताना आप डेली बेसिस में फैंटेसी को कितना टाइम देते हो। उसने कहा कि फैंटेसी में टाइम देने की कौन सी बात है, मैं चाहता हूँ किसी भी एक्सपर्ट का, तुम्हारा हो या फिर दूसरा कोई भी एक्सपर्ट हो, क्रिक इन्फॉर्मर हो या फिर अनुराग भाई की टीम हो, किसी की भी टीम हो, फैंटेसी काउंसिल की टीम हो, उठा के खेल लेते हैं, जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं, हारते हैं तो उसको जाके गाली देते हैं, जीत जाते हैं थैंक यू बोल देते हैं। हम बोले कभी आप फैंटेसी में भाई आगे नहीं जाओगे, क्योंकि आप ये 28 हज़ार 30 हज़ार रुपये जॉब के लिए आप निकाल के देते हो 8 घंटा, और जो है आप फैंटेसी में जहाँ से आप लाखों विन कर सकते हो, कमा सकते हो, उसके लिए आप देते हो 8 मिनट भी नहीं। तो यही आपको समझना होगा। अगर सेकंड इनिंग फैंटेसी से अगर आपको लाखों रुपीज कमाना है भैया, तो आपको फर्स्ट इनिंग तो चल रहा है वहां पे टीवी सेट पे बैठ के मैच देखने होंगे। अब जैसे कि मान लो, मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल देता हूं, इंडिया वर्सेस मुकाबला होगा, मान के चलो न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल, ठीक है, मानता हूं मैं, मुझे लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल खेला जाएगा मुकाबला। अब इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 288-285 रन के आसपास, ठीक है। अब आप अगर मैच देखते रहोगे आपको मालूम चल जाएगा पिच बिहेव कैसे कर रही है, स्टार्टिंग में स्विंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टॉस के टाइम में कैप्टन ने क्या कहा था स्टेटमेंट, आपको सारे चीजों को याद रखना होगा, ठीक है। इंडिया 288 लगा ली, आपको लग गया भाई साहब पिच जो है तगड़ी बैटिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ पे बल्लेबाजों को मुश्किल आई थी बल्लेबाजी करने में, ये बात और है कि लास्ट में आकर जडेजा ने 44 रनों की बेहतरीन नौक खेल दी थी, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तब जाके इंडिया लगाई थी 288, मतलब न्यूजीलैंड के लिए बेड़ा गर्क होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। नए बॉल स्विंग करेंगे तो बुमराह सीधा जो है ओपनर 1-2 बल्लेबाज को लेकर जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम समझ लिए। उसके बाद देखिए सेकेंड इनिंग में मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि आप कौन से फॉर्मेट खेल दो उसको ज़्यादा ध्यान दो। टेस्ट में तो मान के चलो सेकेंड इनिंग ना के बराबर कोई एप्लीकेशन देता है तो टेस्ट को लेकर तो हम बात ही नहीं करेंगे, अगर देता तो वैसे इससे बड़ा जैकपॉट कुछ नहीं होता, ठीक है। ओडीआई को लेकर मैं बात कर लेता हूँ, और T20 को लेकर मैं यहाँ पे बात करूंगा। सेकेंड इनिंग में आप कैसे बेहतरीन से बेहतर टीम बना के लाखों रुपीज अर्न कर सकते हो, मेरा बात मान लेना भैया, मैं कहता हूँ इसका रिजल्ट आपको 10 दिन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओडीआई खेल रहे हो, जैसे वर्ल्ड कप खेल रहे हो, सेकंड इनिंग में अगर पिच न्यूट्रल है, बल्लेबाजी के कंप्लीट मुफीद है, चाहे मुकाबला पुणे में हो, फिर आपको दिख जाए चिन्नास्वामी स्टेडियम वहाँ पे हो बेंगलुरु में, या फिर दोस्तों मुंबई में हो जहाँ पे खूब रन बनते हैं, तो वहाँ पे आप सामने वाली जो टीम होंगी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड की केस में देवन कॉनवे को कैप्टन वीसी दे सकते हो, या फिर आप लोग कैप्टन वीसी दे के जा सकते हो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मिचेल को, रचिन रविंद्रा को। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बैलेंस विकेट हो, थोड़ा सा भी गेंदबाजी के मदद हो उस विकेट में, ठीक है, या फिर कंप्लीट गेंदबाजी मुफीद विकेट हो, तो आंख बंद करके उस कंडीशन में आपको कैप्टन विसी मेन बॉलर को ही देना है। देखिए मैं सिंपली आपको बताता हूं, डेवन कॉनवे 50 रन मारेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो मेन गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, उनका 2 विकेट लेना ऑलमोस्ट कन्फर्म है, ऑलमोस्ट 90% 80% केस में उनका 2 विकेट लेना कन्फर्म है, बल्लेबाज एक मिस्टेक कर दे ऑटो को चला जाएगा। लेकिन इन सब भाई के पास, बुमराह के पास, जडेजा के पास, कुलदीप यादव के पास, सिराज के पास, शमी के पास 60 गेंद होंगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। प्लस अगर मान के चलो आप जडेजा कर देते हो कैप्टन वीसी सेकंड इनिंग में, उन्होंने 2 कैच ले लिए, 1 आध रन आउट कर दिया, तो उसने कुछ किए बिना ही 25-30 पॉइंट आपको दे दिया, उसके लिए बल्लेबाज को 25 रन लगभग करने होंगे 30 पॉइंट देने के लिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा T20 फॉर्मेट हो तो आंख बंद करके कैप्टन वीसी आप लोगों को मेन बॉलर को ही देना चाहिए सेकंड इनिंग में T20 फॉर्मेट में। लेकिन ODI अगर मैच हो और कंप्लीट अगर बैटिंग पैराडाइज विकेट ना हो तो आप वहां पे भी मेन गेंदबाज को कैप्टन वीसी देके जा सकते हो। एक बात ध्यान रखना आपको,
जब आप सेकंड इनिंग खेल रहे हो तो वहां पे ऑलराउंडर को कैप्टन देने से बचिए। आप कैप्टन हो, वीसी हो, वो ऑलराउंडर को नहीं देना है। बहुत सारे भाई ये भी गलती कर देते हैं, भाई सेकंड इनिंग में आपको सिर्फ उसका जो है सेकंड इनिंग का जो रोल होगा उसी का काउंट किया जाएगा। जैसे कि हार्दिक पांड्या, वो हम आपको दिखेंगे सेकंड इनिंग में 6 से 7 ओवर डालते हुए। वो मेन गेंदबाज नहीं है, इसको आपको ऑलराउंडर समझना ही नहीं है सेकंड इनिंग में, इसको आपको समझना है एज ए बॉलर। किसको? हार्दिक पांड्या को। तो अब हार्दिक पांड्या को जब कैप्टन वीसी दोगे सेकंड इनिंग में, उससे बेहतर है कि आप बुमराह को दे दो, उससे बेहतर आप कुलदीप यादव को दो, मोहम्मद शमी को दो, सिराज को दो, जो प्रॉपर मेन गेंदबाज है जो 10 ओवर करेगा ही। तो इन चीज़ों को आपको सेकंड इनिंग में ध्यान रखना होते हैं। सबसे जरूरी बात, टीवी पे चिपक के बैठोगे भैया सेकंड इनिंग में पैसे के गुब्बारे लेके जाओगे, पैसे भरे होंगे उसमें आप लेके जाओगे, बस टीवी से पे आपको बैठना होगा, मैच को देखना होगा। टीवी पे देखो, मोबाइल पे देखो, कहीं भी देखो, लेकिन मैच को प्रॉपर टाइम देना होगा। और लोग क्या करते हैं, सेकंड इनिंग को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते हैं। जितना पैसा यहाँ पे उतना पैसा कहीं और नहीं है। मैं तो तब अस्तब्ध रह जाता हूँ जब सेकंड इनिंग में देखता हूँ, कहीं भी खेलता हूँ और उसमें लोगों को देखता हूँ कि भाई पहले इनिंग के बल्लेबाज को भी चिपकाए हुए हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि सेकंड इनिंग खेलना कैसे है। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे भी गुमराह हो जाते हैं कि सेकंड इनिंग टीम में जो सेकंड इनिंग के बल्लेबाज होंगे 5-6 उसको लेना है, और जो मेन गेंदबाज होंगे 5-6 उसको लेना है। एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताऊंगा, क्लियर करना चाहूंगा। आपका एक और डाउट होगा कि भाई सेकंड इनिंग का टीम हम प्रॉपर बनाएंगे कैसे? क्या हम सेकंड इनिंग में 7 मेन बल्लेबाज मीन 6 बल्लेबाज एक ऑलराउंडर प्लस 4 गेंदबाज लें, या फिर दोस्तों हम लेके जाएं 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज सामने वाली टीम की, या फिर सामने वाली टीम आप हमेशा देखोगे एक ऑप्शन होगा मैक्सवेल के रूप में, जो साला पता नहीं कि कभी 4 डालेगा, कभी 8 डालेगा, कभी 10 डालेगा। उनके लिए रिस्पेक्ट, कल का मैच देखने के बाद भाई सब काफी बढ़ गया है। वन साइडेड मैक्सवेल जी ने मैच को निकलवाया। कल का मैच देखने के बाद मैक्सवेल का कौन कौन फैन बन गया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, ठीक है। अब आप 6-5 लेके जाओगे, या फिर 5 बल्लेबाज लोगे और 5 मेन गेंदबाज प्लस 1 ऑलराउंडर जो सामने वाली टीम में होंगी उसको लोगे। तो यहां पे आपको समझना होगा सबसे बड़ी बातें क्या होंगी। अगर T20 फॉर्मेट में है ना, तो 36 नंबर के जो बल्लेबाज होंगे उनका ज्यादा रोल नहीं होगा, 15-20-22 करके जाएंगे। लेकिन 36 नंबर के गेंदबाज सामने वाली टीम में ऑप्शन में कौन है? क्या वो 2 ओवर कंफर्म डालेंगे? अगर 2 ओवर मिनिमम डालेंगे, 3-4 डाल सकते हैं, तो आप उसको पिक कर लीजिए। अगर बैलेंस विकेट हो तो बैटिंग पैराडाइज विकेट में आप कुछ हद तक जो है सामने वाले टीम का 6 बल्लेबाज को ले सकते हो, लेकिन अगर बैलेंस विकेट नहीं है तो जो आप टीवी पर देखोगे मालूम चल जाएगा, तो भैया आप जो है 6th बॉलर को लेके जाइए, वहां से ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर बैटिंग विकेट है 6-5 कॉम्बिनेशन लीजिए, जहां पे T20 में आप आमतौर पर देखोगे 5 बॉलर 4-4 ओवर डालते हैं, लेकिन अगर कोई मेन गेंदबाज हो 6th बॉलर के तौर पर, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अभी बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, स्टोक्स टाइप के प्लेयर हो, तो आप उनको वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन वीसी, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप 6-5 वाली कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो तो यहाँ से 2 आप कैप्टन वीसी दे देना, कैप्टन बॉलर और मीन्स वीसी भी बॉलर को ही देके जाना, बेनिफिट लेके जाओगे। अगर आप 5-5 और 1 कॉम्बिनेशन बनाते हो, 5 बैट्समैन 6 बॉलर, तो कोशिश करना एक कैप्टन बॉलर एक कैप्टन बैट्समैन में से देने का। अगर 7-4 के पास जाते हो भैया, इसका मतलब है कि आपको पता है खूब रन बनने वाले हैं, वहाँ पे रिस्क बल्लेबाज के ऊपर लीजिए। तो आप ओरली कुछ स्टेडियम का नाम ध्यान रखिएगा जहाँ पे खूब रन बनते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के विकेट हो, जैसे मुझे लगता है कि मेलबर्न में आपको जो है खूब रन बनते दिखेंगे। उसके बाद अभी मान के चलो कि जोहान्सबर्ग में ठीक ठाक रन बनते हैं दक्षिण अफ्रीका में। फिर इंडिया के अगर आप देखोगे तो नॉर्मली मुझे लगता है कि इंडिया के विकेट जो भी हों, चाहे वो चिन्नास्वामी हों, चिदम्बरम स्टेडियम में कम रन बनते हैं चेन्नई वाला, वहाँ पर आपको गेंदबाज भर के जाने होंगे। इकाना स्टेडियम जिसका नाम अभी अरुण जेटली जी स्टेडियम बना हुआ है, उसमें आप लोग जाए गेंदबाज को लेके जाओगे ज़्यादा, वहाँ पे बेनिफिट होंगे। फिर आपको जो मीन्स अपने का हाथ में जो है ना स्टेडियम का नाम लेके चले जाना है। मोहाली में विकेट हो, बल्लेबाजी विकेट होगा, खूब रन बनेंगे वहाँ पे। फिर अगर आपको अहमदाबाद विकेट दिखती है, बैलेंस विकेट है, वहाँ पे बल्लेबाज भी रन बनाएंगे, बाउंड्री थोड़े से बड़े हैं, तो वहाँ पे गेंदबाज भी जो स्पिनर होंगे वो गेम में होते हैं। फिर अगर आपको दिख जाए इंदौर के स्टेडियम, इंदौर का इंद्र अपना पता ही है, वीरेंद्र सहवाग जी जैसे बल्लेबाज को वहाँ पे कैप्टन वीसी देके जाना है। फिर उससे कोटला दिल्ली में वो बैलेंस विकेट होती हैं, वो विकेट को आपको रीड करना होगा। मैच से पहले आपको मैं पिच रिपोर्ट वगैरह भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आपको रीड करने होंगे। फिर आपको जो है सेकंड इनिंग का फाइनल टीम बनाने होंगे। उसके बाद आपको स्टेडियम दिमाग में होनी चाहिए कि फर्स्ट क्लिक जो है ना स्टेडियम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस पिच पे मैच है तो नॉर्मली ये पिच कैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद आपको पिच रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, जो नॉर्मली पिच बिहेव करेगा उससे अंतर उससे कंप्लीट डिफरेंस पिच रिपोर्ट नहीं आती है, उसके इर्द गिर्द ही पिच रिपोर्ट होंगी, तो उसको लेकर आपको मैं बता दूंगा। साथ में आप और भी एप्लीकेशन पर जाकर रीड कर सकते हो। तो अगर आपने सेकंड इनिंग खेलना स्टार्ट नहीं किया है किसी भी ऐप पे, तो जहां कहीं भी जिस भी ऐप पे आपको सेकंड इनिंग देखता है, चाहे वो विजन 11 हो, चाहे वो लीग 11 हो, चाहे वो 11 चैलेंजर्स जैसी ऐप हो, जो भी एप्लीकेशन हो, रियल हो, वहां पे जाकर सेकंड इनिंग खेलिए, धूम मचाइए, प्रॉफिट कमाइए। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाइंस वाई कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल सेकंड इनिंग में भी ट्राई कीजिए। धन्यवाद।